ये कुआं है, ये कुएं के नीचे, सॉरी मैं कुएं के पास बैठा हूँ। ये कुआं है तो इससे आगे पानी जा रहा है, इसी से निकलता है पानी। अगर इसमें कोई छलांग लगाना चाहे तो ये बहुत गहरा है, ये तकरीबन 40-45 फुट गहरा है कुआं, 45 फुट गहरा है। ये है कुएं और ये पानी है। ये वाटर देखेंगे निकल रहा है यहाँ से। आप ये देख सकते हैं, ये पानी निकल कर फिर यहाँ से ये खेतों को जाता है। ये हमारी बैठक बनी हुई है, यहाँ पर भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो भी उनको ठहराते हैं। ये उनके लिए जगह बनी हुई है, क्योंकि हम सैयद लोग हैं ना, तो भी जो हमारे मुरीद वगैरह आते हैं तो क्योंकि सैयद दादियाँ जो हमारे भी घर वाले हैं वो तो आदमियों के भी सामने नहीं आती ना, तो ये मेहमानों के लिए जगह बनाई हुई है। ये बैठक हैं, एक इधर है, ये दोनों बैठते हैं। ये चारपाई पड़ी हुई है, ये दरख्त हैं सारे। कौवा देख रहे हैं, और ये हम इसको दांत रेड़ी कहते हैं। ये दांत रेड़ी है और ये टाली का दरख्त है, इसको टाली हम कहते हैं। ये टाली का दरख्त है अब सूखा हुआ है क्योंकि आप नू शाखे दिखेंगे। और ये एक दोस्त की बाइक खड़ी है, वो इधर अपने गंदम को पानी लगाने आए हैं हमारी ट्यूबवेल से। तो ठेके पे उन्होंने ज़मीन ली हुई है, ये उनकी बाइक है, ये दांत है, और ये हमारी बिजली का सामान पड़ा है। तो ये खंबा है, तो इस खंबे से ये बिजली आ रही है, ये हमारे घर को भी सप्लाई हो रही है, और ये ट्यूबवेल को भी जा रही है। और ये ट्यूबवेल का ये देखें, ये स्विच है, इससे ये ट्यूबवेल चलती है।